डूइंग वेल. सो टुडे इज़ माई 6 month एनिवर्सरी. तो आज उसके सेलिब्रेशन में हम क्या कर रहे हैं वो सब हम आपको स्टेप बाई स्टेप बताते हैं. एंड दिस इज़ माई साड़ी. एंड इनको तो आप सब जानते ही होंगे. तो हम जा रहे हैं मंदिर मस्जिद पे दर्शन करने के लिए, और उसके बाद आज क्या क्या होता है वो भी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. सोया गाइस, प्रिपेयर करते हैं सम डिलीशियस सी चाय. चाय के बिना तो भाई साहब ना मेरी मॉर्निंग होती है ना ही मेरी इवनिंग होती है. तो हमने जाने से पहले सबसे पहले पिया ये गर्मा गर्म चाय, और मेरे पास स्नैक्स में था मखाना चाट. और अगर आप ये जानना चाहते हैं उसमें मैंने कैसे बनाया तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं. सो दिस इज़ माई ऑल टाइम स्नैक्स फॉर इवनिंग. सो यहाँ पर मौसम का नज़ारा लेते हुए शाम देखिए कितनी बेहद खूबसूरत है. और यार शाम हमेशा से इतने रिलैक्सिंग होती है कि मैं क्या बताऊँ. और यहाँ चंदा मामा भी आ ही गए हैं एज यू कैन सी. और शाम में ऐसा शांत बैठना, चाय इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है. सो मैं आ गई हूँ नीचे डिसाइड करने कि मुझे क्या पहनना है आज के दिन. तो आप डिसाइड करो क्या पहन सकते हैं, गेस करो. मैंने यहाँ पर येलो कलर डिसाइड किया है. दिस इज़ अ मस्टर्ड येलो कलर. सो ये है मेरी साड़ी, इसको आज हम वेयर करते हैं और देखते हैं ये मेरे ऊपर कैसे लगती है. हालांकि एक बार मैंने इसे पहन चुके हैं. सो ये देखिए ये है मेरी साड़ी और इसको मैंने इस तरीके से स्टाइल किया हुआ है. सो चलिए चलते हैं आज का क्या प्लान है. सो यहाँ पे हम अपनी धनु को उठाते हैं और चलते हैं फटाफट से टेम्पल पे. तो यहाँ पे हम आए हैं बांके बिहारी मंदिर फतेहपुर में. ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिया है फूल और अब हम इसे चढ़ाएंगे बांके बिहारी मंदिर में. तो यहाँ पे हमने फूल की टोकरी लेकर हमने पंडित जी को दी, उन्होंने वहाँ पे सारे भगवान जी में चढ़ाया था. ये है सिद्धिपीठ श्री बांके बिहारी मंदिर. एज यू कैन सी यहाँ पे कान्हा जी हैं, और कान्हा जी की तरह तरह की मूर्तियाँ भी अंदर रखी हुई हैं. जैसे कि उन्होंने जो जो चीज़ें भी की थी उन सबों की मूर्तियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं. तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बांके बिहारी मंदिर के साथ सेल्फ़ी लेने के लिए. कहीं भी जाओ सेल्फ़ी ना लिया तो क्या ही मतलब. यहाँ पे हमने अपनी विशेस मांगे, क्या हमें एक साथ रहना है हमेशा, ये सारी चीज़ें हमने अपनी मांगी. और जो भी चीज़ होती है वो सच बताएं वो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, बट हमें किसी की नज़र ना लगे इन फ्यूचर, इसलिए हमें हमेशा भगवान जी के दर्शन करते रहना चाहिए. और यहाँ पे बगल में थी माता रानी अंबिका. और ये देखिए यहाँ पर पूरा परिसर बहुत अच्छा है. लोग पूजा करने के बाद यहाँ पर बैठना प्रेफर करते हैं. पूजा करने के बाद मंदिरों में बैठना भी चाहिए. काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है. सो मैं यहाँ फ़ोन लेके चल रही थी तो फिर यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ. तो मैं आपको बता दूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है, क्योंकि मैं फतेहपुर में मेरी शादी हुई है और मुझे भी ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में. तो जब जब मैं एक्सप्लोर करती हूँ तो मैं ज़रूर आपको बताती हूँ. और शिव जी की पूजा ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे हमने और इन्होंने दोनों ने शिव जी की पूजा अच्छे से की. और फिर ये देखिए इस घंटे से यहाँ की आरती होती है और ये आरती का टाइम हो गया था. हम करीबन 7 या 7:30 पे पहुँचे थे. ये देखिए यहाँ पे सब लोग आरती के लिए लगे हुए थे और घंटे वगैरह की आवाज़ सुन के मतलब मन को जो शांति मिलती है ना उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. और यहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत शांत था, बहुत अच्छा था. यहाँ पे एक जल मंदिर भी है, जो यहाँ पे पीछे एक पानी है, आप उसे तालाब भी कह सकते हो, उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है. एज यू कैन सी ये वाइट कलर का है. रात होने की वजह से उतने अच्छा से मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आप देखिए कुछ पानी और कुछ मंदिर सा दिख रहा होगा. और यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे पार्क, झूले वगैरह सब कुछ है. यहाँ पे पंडित जी इनकी आरती करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, बट एक वे बना हुआ है जाने का.
तो यहाँ पे देखिए पीछे लाइट्स की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी हमें रिकॉर्ड करने में, तो यहाँ पे हमने अपने दर्शन कंप्लीट किए। और जो कि दिखाते हैं सामने, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी झूले वगैरह लगे हुए हैं, लोग बाग यहाँ पे बच्चों को अपने खिलाते हैं। बट यहाँ पे शाम हो गई थी तो मे बी शायद बच्चे ना आए हों या जो भी, ज़्यादातर लोग रात में विज़िट करना प्रेफर नहीं करते हैं, बट हाँ तो हमें शाम में ही टाइम मिलता है, मुझे शाम में ही पसंद है। यहाँ पे थे हमारे क्यूट से बजरंग बली जी और यहाँ पे शिव जी। यहाँ पे देखिए आरती के बाद भी शिव जी के मंदिरों के लिए कितनी सारी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने कन्विंस करी थी भाई आके फ़ोटो तो खिंचा लो क्योंकि ये पता नहीं क्यों कैमरा शाई है थोड़ा सा, इन्हें कैमरे में आना थोड़ा सा कम पसंद है, बट हम हर जगह ले ही आते हैं इनको। सो हमने ब्यूटीफुल सी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ पे बनाए। ये देखिए ये है शिव जी और अंदर आरती के बाद भी लोग इनके दर्शन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे हम ऐसे उतरेंगे और यहाँ पे शंकर जी का एक शिवलिंग टाइप बना हुआ है। यहाँ पंडित जी ने आरती वगैरह की। यहाँ पे चित्रकूट भगवान जी का मंदिर है और बगल में शनि महाराज जी का भी मंदिर है, यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। अब पंडित जी यहाँ पे इनकी आरती करने जा रहे हैं। तो हमारा शाम तो बहुत अच्छी थी और बर्थडे हो एनिवर्सरी हो हमें भगवान जी का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। इस बात से कितने लोग मतलब रखते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। भगवान जी का आशीर्वाद मतलब सुकून। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कितना सुंदर वेदर है और दर्शन के बाद तो हमें और भी अच्छा लगा। सो हमारे यहाँ पे दर्शन होते हैं कंप्लीट और हम अब यहाँ से जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ से, यहाँ पे बजरंग बली जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पे हमारे दर्शन होते हैं कंप्लीट। A few moments later, तो शाम में हमने मोमोज खाए और पिज्ज़ा और ओरियो शेक लिया। अब इसके बाद हम जाते हैं घर। ये देखिए मुझे ये साड़ी जेन्युइनली इसलिए पसंद है, इसका पल्लू देखिए कितना प्यारा है, मुझे इसका पल्लू बहुत सुंदर लगता है। हालांकि ये साड़ी थोड़ा बनारसी में है और मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए ये इसका पूरा लुक है, एज़ यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुल है ना ब्यूटीफुल। और इस पे चार चांद लगाता है इसका पल्लू और ये रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड ने की है। और ये पता नहीं बिना बताए कहाँ जा रहे हैं, फिर बाद में मुझे पता पड़ा ये लेने गए थे पेस्ट्री। और ये देखिए कितनी प्यारी पेस्ट्री है। फिर हमने इन्जॉय की ये ब्यूटीफुल सी पेस्ट्री विद कोल्ड ड्रिंक और हमने अच्छे अच्छे मोमेंट्स इन्जॉय किए काफ़ी। और यहाँ पेस्ट्री का काम चल रहा है एज यू कैन सी, मैंने इनको पेस्ट्री खिलाई। एनिवर्सरी मतलब हम दोनों का ही सेलिब्रेशन, इट्स नॉट बर्थडे कि सेपरेट मेरा ही है या सेपरेट उनका ही है। और मतलब फर्स्ट टाइम मुझे इनके साथ पता चला कि ये भी थोड़ा सा लाइक शाई के अलावा भी इनमें कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए। आई थिंक हर हस्बैंड के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपनी वाइफ को कैसे प्रिटेंड करे, कैसे उसे हैप्पी रखे। और हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आज की शाम बहुत अच्छी गई हमारी। हमने इसी तरह पेस्ट्रीज और कोल्ड ड्रिंक को इन्जॉय किया और कुछ अपने मोमेंट्स शेयर किए, अच्छी अच्छी बातें की और भी क्या क्या चीज़ हो सकती थी वो भी हमने आगे प्लान किया। और आज का जो भी प्लान था वो इनकी तरफ से था, बस मेरा रिकॉर्डिंग ही था, मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, बस ये पता था कि हाँ हम टेम्पल विज़िट के लिए जा रहे हैं। सो ये लीजिए गाइस आप लोग के लिए पेस्ट्री है और आप लोग भी इसी तरह इन्जॉय करिए। कितने मैरिड लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट डाउन ज़रूर से ज़रूर करना और आप लोग कैसे इन्जॉय करते हैं वो भी बताना। और ये कोल्ड ड्रिंक भी आप लोग के लिए, आप लोग के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। सो यहाँ पे हमारा सेलिब्रेशन होते कंप्लीट। ये है मेरा क्यूट सा डिनर, जीरा राइस पनीर और रोटी, और शाम में मैंने ये ख़त्म किया चॉकलेट के साथ। आप सबको ये चॉकलेट तो पसंद आई ही होगी। सो ये मेरे क्यूट से क्यूट से क्यूट से हस्बैंड के लिए प्यारा सा कोटेशन, आई लव यू एंड बाय बाय। सो नाउ इट्स टाइम 11:12, बाय एंड गुड नाइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। सो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, बाय, लव यू ऑल।